Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. एक ऐसे भारत रत्न जिनकी सीखने की चाह उन्हें न्यूज़पेपर बेचने से न्यूज़पेपर में फीचर होने तक के सफर पर ले गई। उनके साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो एरोस्पेस इंजीनियर बन गए, आइए देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी को बचपन से ही नई चीजों के बारे में जानने और सीखने का बहुत शौक था। उनके पिता नाव बनाने का बिजनेस करते थे, जहां छोटे से अब्दुल कलाम उन्हें ऑब्जर्व करके मेटल और वुड जैसे मटेरियल्स को स्टडी करते थे। उनका परिवार सुखी और संपन्न था, लेकिन एक साइक्लोन ने रातों रात उनकी दुनिया पलट दी। उनके पिता का अच्छा खासा चलता हुआ नाव का बिजनेस साइक्लोन में बर्बाद हो गया और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पर जब तक पढ़ने लिखने और सीखने की चाह हो, तब तक हर मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। 8 साल के अब्दुल कलाम जी पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बेचकर परिवार की मदद भी करते थे। वो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचने जाते, फिर दिन भर दिल लगाकर पढ़ाई करते। इतनी छोटी उम्र से ही उनमें एक अलग जज्बा था। स्कूल तो मानो उनके लिए ज्ञान का खजाना था, वहां वो हर पल खुद को ज्ञान से सींच रहे थे। एक बार उनकी टीचर पूरी क्लास को पंछियों की उड़ान समझाने के लिए बीच पर ले गई। वहां उन्होंने बच्चों को उड़ते हुए पंछी दिखाकर उनकी फ्लाइट के पीछे की साइंस समझाई। अब्दुल कलाम जी उनकी एक्सप्लेनेशन से इतना फैसिनेट हुए कि वो बात हमेशा के लिए उनके मन में घर कर गई। फिर जब कॉलेज करने की बात आई तो उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पंछियों की उड़ान का उनका फैसिनेशन साइंस के प्यार में बदल चुका था। वो साइंस में इतने माहिर हो चुके थे कि उन्होंने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्कॉलरशिप पर की। ग्रेजुएट होने के बाद अब्दुल कलाम जी ने 1960 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ज्वाइन किया, जहां उन्होंने डिफेंस को मजबूत करने के लिए नंदी नाम का हवरक्राफ्ट बनाया। ये भारत द्वारा बनाया हुआ पहला हवरक्राफ्ट था। न्यूज़पेपर बेचने वाले अब्दुल कलाम जी अब खुद सुर्खियों में छा गए थे। उनकी उपलब्धियों की खबर उड़ते उड़ते डॉक्टर विक्रम साराभाई तक पहुंची। वो उनकी बुद्धि से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने अब्दुल कलाम जी को इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में रॉकेट इंजीनियर की पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया। वहां कलाम साहब ने टीम के साथ मिलकर 1963 में थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। फिर जब 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जन्म हुआ, तो जाहिर सी बात थी कि अब्दुल कलाम जी भी इसका हिस्सा बनते। 1970 के दशक में इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV डेवलप करना चाहती थी। अब्दुल कलाम जी ने सिंगल हैंडेडली पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया और 18 जुलाई 1980 में आंध्र प्रदेश से SLV-3 लॉन्च किया। ये भारत की मिट्टी से किया हुआ पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च था। उसके बाद 1983 में DRDO को फिर से एक बार अब्दुल कलाम जी की जरूरत पड़ी, लेकिन इस बार मिसाइल्स बनाने के लिए। उनकी लीडरशिप में कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश और नाग नाम की बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप की। इन मिसाइल्स ने भारत को एक मेजर मिलिट्री पावर बना दिया और उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया। अब ये मिसाइल मैन एक नए मिशन पर था, उसे भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाना था। पोखरण में एपीजे ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी वजह से आज भारत चंद न्यूक्लियर सुपर पावर्स में से एक है। भारत की साइंटिफिक डेवलपमेंट में अब्दुल कलाम जी का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ एक पुरस्कार उनके लिए काफी नहीं था।
इसलिए भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न देकर सम्मानित किया। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके अब्दुल कलाम जी अक्सर कहा करते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। उनकी सीखने की चाह ने वाकई भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।